नमस्कार, मैं विद्या एसएसवी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। रोसरी बायोटेक का आईपीओ इंडियन मार्केट में एक फ्रेश न्यूज़ की तरह आया है। यह लगभग 500 करोड़ का आईपीओ है। मार्च 18 को रोसरी आईपीओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से यह पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी यह फिर से वापस आया है और यह फिलहाल लाइव है, यानी 13 जुलाई से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट डे में ही रोसरी आईपीओ लगभग 24% के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, तो फिर आपके लिए यह मौका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया का नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग ने इसको सब्सक्राइब रेटिंग दिया है, यानी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसके डिटेल्स जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। रोसरी बायोटेक टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। इसके साथ यह कंपनी एक्रोलिक पॉलीमर्स को भी मैन्युफैक्चरर करती है। यह कंपनी के प्रोडक्ट्स मेनली 3 कैटेगरीज में होम पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटीज केमिकल एंड एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स। होम केयर सेगमेंट से 46.81% इन FY20 अगेनेस्ट 18.63% इन FY18, टेक्सटाइल स्पेशलिटीज 43.71% अगेनेस्ट 71.54% इन FY18 एंड एनिमल हेल्थ केयर 9.48% अगेनेस्ट 83% इन FY18। रोसरी बायोटेक का प्रेजेंस 17 फॉरेन कंट्रीज में है, जिसके वियतनाम, बांग्लादेश और मॉरिशस भी शामिल है, और लगभग 2030 डिफरेंस प्रोडक्ट्स सभी कंट्रीज में सप्लाई कर रही है एज ऑन May 31st। रोसरी बायोटेक की 2 R&D फैसिलिटीज है, इसमें से एक सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर ही है और दूसरी मुंबई में। यह IPO मिक्स इशू है, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। इसमें प्रमोटर्स 1.05 करोड़ इक्विटी शेयर्स कंप्राइजिंग ऑफ अप टू 52.5 लाख शेयर्स बाय एडवर्स मैनेजर्स एंड 52.5 लाख शेयर्स बाय सुनील चारी। यह फ्रेश इशू के जरिए कंपनी टोटल 50 करोड़ का कैपिटल राइज करेगी, और इसके पहले प्री IPO प्लेसमेंट में कंपनी ने 99.99 करोड़ रुपये प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जुटाए थे। इनमें शामिल थे मलावर इंडिया फंड, एक्सिस न्यू अपॉर्चुनिटीज़, AIF 1, मिरारे एसेट्स मिड कैप फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुंदरम सिलेक्ट माइक्रो कैप सीरीज 14, IIFL स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 4 और ICICI लोबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी शामिल थी। क्यों आपको रोसरी बायोटेक के IPO में सब्सक्राइब करना चाहिए? इंडिया में यह एक लार्जेस्ट स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और इनका मैनेजमेंट टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है और वह इसके रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से प्रूवन है। सर्ज इन होम पर्सनल केयर परफॉर्मेंस केमिकल सैनिटाइजर्स क्लीनिंग प्रोडक्ट्स डिमांड COVID-19 के चलते यह कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी के लिए कुछ कंसर्न्स भी हैं, स्लो डाउन इन डिमांड स्पेशली फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनका FY 19-20 में का रिवेन्यू का 43.9% हिस्सा खाली टॉप 5 कस्टमर ही कंट्रीब्यूट करते हैं। डिले इन एडिंग न्यू फैसिलिटीज। अब बात करते हैं आउटलुक और वैल्यूएशन के बारे में। रोसरी बायोटेक एक्सेप्ट कर रही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 के आसपास। रोसरी के कॉम्पिटिटर्स के जो लिस्टेड हैं उनके रोसरी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनके स्पेशलिटी कॉम्पिटिटर्स जैसे गैलेक्सी सल्फेक्टेंट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज, अतुल एंड विनीति ऑर्गेनिक्स करंटली ट्रेड कर रहे हैं। FY20 के पीर मल्टीपल्स ऑफ 24x, 36.6x, 30.5x, 20.6x एंड 30.9x रिस्पेक्टिवली।
एंजल ब्रोकिंग का मानना है कि रोसरी बायोटेक इनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है क्योंकि यह कंपनी नेट डेब्ट फ्री है। इनका एसेट टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल डेज, आरओई एंड आरओसीई पीयर्स से बेटर है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम के वजह से पिछले 3 सालों में रोसरी ने 32% और 66% रिवेन्यू एंड पैट सीएजीआर रिपोर्ट किया है। इसी की वजह से एंजल ब्रोकिंग इस मार्केट और रोसरी आईपीओ के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट दिखा रही है और सब्सक्राइब का एडवाइस भी इशू किया है। कोविड 19 का इम्पैक्ट ऑन रोसरी बायोटेक। डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, पर टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड में टेम्पररी कमी आई। कंपनी का कहना है कि डिसइंफेक्टेंट्स और सैनिटाइजर्स इसेंशियल गुड्स में कैटेगरीज होने की वजह से कंपनी के सिलवासा में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी काम करती रही। शुरुआत का लॉकडाउन की वजह से कंपनी को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें लेबर, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स और लॉजिस्टिक प्रॉब्लम थे, पर बाद में यह सब इम्प्रूव हो गया और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इम्प्रूव हो गई। सप्लाई और सप्लायर प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद और लॉजिस्टिक काफ़ी रेगुलर हो गया। कुछ कस्टमर्स के तरफ से पेमेंट टर्म्स एक्सटेंशंस के लिए भी रिक्वेस्ट आया लॉकडाउन के चलते, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। कैपेक्स प्लान। दहेज फैसिलिटी। रोसरी बायोटेक अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अपने सिलवासा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इन हाउस मैन्युफैक्चर करते हैं। रोसरी बायोटेक प्रेजेंटली एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के दहेज में तैयार कर रहे हैं और इनका प्रपोजल इंस्टॉल कैपेसिटी 132,500 मैट्रिक टन पर एनम है। कंपनी का यह कहना है कि दहेज फैसिलिटी से उनको डीप वाटर प्रॉक्सिमिटी और मल्टीपोर्ट कार्गो का फास्ट कॉस्ट और लॉजिस्टिक में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इनका कंस्ट्रक्शन केमिकल मार्केट और वाटर ट्रीटमेंट फॉर्मुलेशन के लिए एक वेंचर बनने जा रहा है और जो फंड राइज उन्होंने प्री आईपीओ में और फ्रेश इशू के जरिए किया है वो बोरोइंग के को रिपे करने के लिए लगभग 65 करोड़ रुपीज़ और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए लगभग 50 करोड़ रुपीज़ यूज़ करेंगे। अगर आप कोविड 19 के अफेक्टेड मार्केट में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे थे तो रोसरी बायोटेक एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, नेट डेब्ट फ्री है, स्पेशलिटी केमिकल्स के मार्केट में भी काफ़ी अच्छा डिमांड है और यह डिमांड रिसेंट फ्यूचर में कम नहीं होने वाला। इनके पीयर्स कंपनीज भी अच्छा है, पी रेशियो दे रही है। एंजल ब्रोकिंग के एक्सपर्ट एनालिस्ट ने भी इनको सब्सक्राइब करने का एडवाइस रखा है। 13 जुलाई को 60% सब्सक्राइब हुआ है और अभी आपके पास मौका है इसको सब्सक्राइब करने का। यह इशू 15 जुलाई को बंद होने जा रहा है। अगर आईपीओ अप्लाई करें कैसे करना है इसके लिए कोई डाउट है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसे क्लिक करें और समझ लीजिए। धन्यवाद।